बात करें यहाँ से सोयाबीन की, तो सोयाबीन में भी जो प्राइसेस हैं NCDX पर 7,800 7,950 तक ही हैं, उससे ज़्यादा अभी तक नहीं देखने को मिले हैं अभी तक साल 2022 में। और अभी जो प्राइसेस हैं वो 8,000 के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबी तेज़ी सोयाबीन में देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ी सीमित दी ही रहेगी। 8,200 8,300 मैक्सिमम यही लेवल देखने को मिलता रहेगा अभी सोयाबीन का NCDX पर। बाकी US सोयाबीन 1,660 के ऊपर है, वो $1,680 तक जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा भी वक्त लग सकता है। बाकी अमेरिका में जो सोयाबीन का रकबा है इस बार 2022-23 में वो बढ़ सकता है। इस बार किसान मक्के की जगह सोयाबीन की फसल को अमेरिका में ज़्यादा तरजीह देंगे। और ग्लोबली 2021-22 के सीज़न के प्रोडक्शन की बात की जाए तो ग्लोबली प्रोडक्शन कम रहेगा, सोयाबीन की सप्लाई अभी हाल फिलहाल में हमने पहले भी टाइट देखी है और अभी भी टाइट देखने को मिलती रहेगी, यानी कि कम देखने को मिलती रहेगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्राइसेस को भी सपोर्ट रहेगा। और भारत में भी इस बार तिलहन की बुआई का जो रकबा है वो बढ़ने के कयास लगाए जा रही हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत में तेल तिलहन का जो रकबा है बढ़ सकता है। सोयाबीन की बुआई का रकबा इस बार बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से बाकी तिलहन के दाम जो बड़े हैं उसकी वजह से उसका असर कहीं ना कहीं सोयाबीन की कीमतों पर भी ज़रूर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से किसान भारत में सोयाबीन की बुआई ज़्यादा करने का मूड बना रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि जब बुआई का समय आए तो सोयाबीन की जो प्राइसेज हैं, सोयाबीन की जो कीमतें हैं, उनमें एक नरमी देखने को मिले, तो नरमी उस समय से शुरू हो सकती है सोयाबीन में। तो अपने हिसाब से डिसीजन लें कि आपको ऊपरी स्तर मिल रहा है तो तब बेच दें, बाकी थोड़ा बीज अपना बुआई के लिए बचा के रखें। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे साल 2021 में हुआ था कि सोयाबीन की बुआई के लिए बीज ही उपलब्ध नहीं था, ना किसानों के पास ना सरकार के पास, और जो कुछ बचा कुचा था बीज था वो दागी था। तो इसलिए अपना थोड़ा माल बुआई के लिए भी बचा के रखें। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।